सावन से जुड़ी कई सारी कहानियां आपने देखी और सुनी होंगी। भगवान शिव के वैसे तो कई सारे भक्त हैं। कभी किसी मधुमक्खी को उनकी भक्ति में लीन होते देखा है? नहीं तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइव कोलकाता में। सावन के महीने में शिव जी के भक्तों को भगवान शिव की पूजा अर्चना करते तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या कीट पतंगों को भी उनकी आस्था में लीन होते कभी देखा है? एक ऐसे भी जगह है जहां मधुमक्खियां सावन महीने के पावन अवसर का इंतजार करती है कि कब वो शिव जी के दर्शन कर सके और अपने ही तरीके से उनकी भक्ति करे। हम बात कर रहे हैं पाना नगर स्टेशन के NH रोड में स्थित एक शिव मंदिर की। यहां प्रतिवर्ष सावन के महीने में बहुत सारी मधुमक्खियां आती हैं और सावन के खत्म होते ही फिर वापस लौट जाती हैं। उन्हें देखकर लगता है मानो वो साल भर से सावन के महीने का ही इंतजार करती हैं। प्रत्येक साल सावन आते ही चला आता है, पूरा सावन रहता है, सावन समाप्त होते ही ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, किसी को कुछ नुकसान नहीं करता। ये कम से कम आज 7-8 साल से इस तरह का है। आश्चर्यजनक बात ये है कि वो कभी भी मंदिर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ऐसा लगभग 8 सालों से चल रहा है। इनसे न तो किसी पूजा करने वाले को दिक्कत होती है, न ही पुजारी को। लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि मधुमक्खियां आती कहां से है और वापस कहां चली जाती हैं।